बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे पूरी और खीर। ये एक पूरी रहेगी खोए की और एक रहेगी दाल पूरी। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो पहले हम आटा भिगाएंगे, जिसके लिए हम लेंगे मैदा 1 किलो। 1 किलो मैदा ले लिया है हमने। और अब हम लेंगे दूध और सॉल्ट और ये घी है, इसको हम थोड़ा सा गरम कर लिए हैं। गरम करके लेना है घी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको भिगोना। अब हम इसको आटे को अच्छे से भिगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, पहले तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे, जो थोड़ा सा गुनगुना है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म है। हम इसमें घी ऐड करेंगे और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स करके, ये हम आटा पूरा भिगा कर हम इसको थोड़ी देर एक घंटा हम इसको साइड में रख देते हैं रेस्ट के लिए। तो साइड में रखने के बाद हम खीर की तैयारी कर लेंगे। खीर की तैयारी हम स्टार्ट करेंगे। इसमें लेंगे 1 लीटर दूध, इसको अच्छे से बॉईल करना है, अच्छे से गरम करना है। दूध अच्छा गरम होने के लिए छोड़ देंगे हम इसको। खीर बना रहे हैं हम, इसमें राइस ऐड करेंगे, शक्कर, इलायची एंड देन साबुदाना। ये अच्छे से गरम होने देंगे। फिर हम गरम होने के बाद जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें ऐड करने के, हम वो बाद में ऐड करेंगे। ज़्यादा हिलाना है इसको, हिलाने पर ये अच्छा होगा। और अब हम यहाँ देख लेंगे ये जो दाल है, दाल की पूरी जो हम बना रहे हैं, तो इसके लिए हम लेंगे चना दाल। चना दाल को अच्छे से हम कुकर में गला लेंगे। गला लेने के बाद ये दाल हमारी गल गई है, तो हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। जितनी आप मीठी पसंद करते हैं उतना मीठा हम उतनी ही शक्कर डालेंगे इसमें, ज़्यादा मीठा ना हो, आपके हिसाब से आप ले लो शक्कर जितनी भी आपको लेनी है। शक्कर डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। फिर मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर। फिर इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट पक गई है, रेडी हो गई है। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए हमारी दाल रेडी हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, दाल हमारी रेडी हो गई है। हम आते हैं खीर की तरफ। काजू लेंगे, राइस लेंगे, साबुदाना लेंगे, जो ये खीर के इंग्रेडिएंट्स हैं। काजू और राइस को हम मिक्स कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम खीर में ऐड कर लेंगे। खीर में ऐड करने के बाद पका लेंगे खीर को। अभी तो ये ग्राइंड कर लेंगे हम। काजू डाल दिए हमने और हम इसमें डालेंगे चावल भी ऐड कर लिए हैं। हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे ग्राइंड करने के लिए। और यहाँ साबुदाना देख लेते हैं ये कितना पका है, इसको पका लेंगे हम। साबुदाने को बॉईल कर लेंगे सॉफ्ट होने के लिए। यहाँ खीर हो गई है हमारी और हम इसमें चावल और जो पीसे थे वो हम ऐड कर लिए खीर में। और अब हम ऐड करेंगे साबुदाना, जो सॉफ्ट हो गया है, ये पक गया है, बॉईल हो चुका है। ये बॉईल होने के बाद ही हम इसमें खीर में ऐड करेंगे।
खीर में हम जो पीसे थे वो जो काजू और राइस था, हम उसको पेस्ट बना के हम इसमें डाल दिए हैं। और अब हम ऐड करेंगे साबुदाना ऐड करेंगे। ये लो ऐड हो गया है साबुदाना। थोड़ा सा लाइट इसको पका लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि खीर रेडी हो गई है और ये पक चुकी है, तो हम इसको थोड़ा सा ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो वो ये देखिए खीर कितनी लजीज लग रही है, कितनी टेस्टी लग रही है दिखने में। तो चलिए हमारी खीर रेडी हो गई है। हम इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हमारी खीर रेडी हो जाएगी। अच्छे से खीर को हिलाते जाना है, क्योंकि खीर अच्छी बनती है हिलाने से, क्योंकि अगर हम नहीं हिलाएंगे तो फिर नीचे वो जो दाग पकड़ने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए हमको हिलाना चाहिए। तो हम यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर ऐड हो गया है और हमारी खीर रेडी हो गई है। चलिए अब खीर रेडी हो गई है। अब हम आते हैं ये आटे की तरफ, देख लेते हैं कि वो कितना सॉफ्ट हो गया है। वो सॉफ्ट होने के बाद हम पूरियों की तरफ जाते हैं, पूरी रेडी कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, खीर हमारी रेडी हो गई है। अब हम आगे देख लेंगे, आगे हम खोए की तैयारी कर लेंगे, जो कि हम खोया पूरी भी बना रहे हैं तो हम उसकी तैयारी कर लेंगे। ये तो रेडी हो गई है हमारी खीर, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी वाली। तो अब हम यहाँ देख लेंगे खोया, खोए को अच्छा हम गरम कर लेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, फिर उसमें शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर ऐड करके हम थोड़ा सा और पका लेंगे इसको। पका लेके हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। स्लो फ्लेम पे बनाना है फ्रेंड्स ये, हाई फ्लेम पे मत बनाओ, क्योंकि दाग लग जाएगा इसका, जो कि मेरा लग गया था थोड़ा सा। तो चलिए इलायची पाउडर ऐड हो गया है, ये बन गया है हमारा खोया रेडी हो गया है। हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। ठंडा होने की, तो चलिए खोया रेडी हो गया है। दाल हमारी जो पुरन के लिए हम रखे थे वो रेडी हो गई है। दो किस्म के हम पूरी बनाएंगे, एक रहेगी दाल की पूरी और एक रहेगी खोया पूरी। और अब हमारा आटा सॉफ्ट हो गया है, अब इसके हम बनाएंगे पूरी बनाएंगे। हम इसमें पहले से कट कर लेंगे, पीसेस बना लेंगे, रोटी के पीसेस बना लेंगे। सॉफ्ट होने के लिए अच्छा सॉफ्ट कर लेंगे आटा, उसके बाद ही हम पूरी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा तो आटा सॉफ्ट हो गया था और हम यहाँ बना रहे हैं पीसेस, जो रोटी के हैं पीसेस। ये ईद होती है पूरी वाली ईद, जिसको कहते हैं 12 रबीउल अव्वल, ये इसकी ईद है। जो मुझे डालने में लेट हो गया है, हमारी पूरी रेडी हो गई है। ये हम फ्राई कर लेंगे इसको हम फ्राई कर लेंगे, ब्राउन होने देंगे इसको। हमारी पूरी को हम ब्राउन होने देंगे। ये कैमरा मैन अच्छा नहीं है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैंने शूट की थी, लेकिन मैंने इसको एडिट नहीं किया था और अब मैं इसको एडिट कर रही हूँ। बहुत लेट हो गया है ये वीडियो पोस्ट करने में मुझे, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैंने रबीउल अव्वल में स्टार्ट की है, लेकिन एडिट मैं अब कर रही हूँ। ये पूरियों को हम ब्राउन होने देते हैं,
ये जो पूरी के अंदर जो डालने की जो क्लिप है ना, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर आपको चाहिए कैसे हम इसको पूरी बनाते हैं, पूरा इसको डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी। वो क्लिप्स पता नहीं कहाँ चले गई है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे वो क्लिप पता नहीं मिल नहीं रही है, तो इसके लिए वो क्लिप डिलीट हो गई शायद मुझसे, तो इसके लिए थोड़ी सी कट हो गई है। तो अगर आपको चाहिए फुल डिटेल में ये पूरी हम कम्प्लीटली कैसे बनाते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो रेडी हो गए हमारे पूरियाँ, ये पूरी रेडी हो फ्रेंड्स, हमारी खीर पूरी रेडी हो गई है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी बताना, और जो आपको इसके फुल डिटेल में चाहिए पूरी कैसी बनती है, तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, पता नहीं अच्छा लगा या नहीं होगा क्योंकि ये पहली मेरी शूट थी, देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।